हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है कोरोनी वीडियो में रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का, यीशु पापा का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है मेरे प्रियजनों, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है मेरे प्रियजनों। पिता ने हम सभी को अनंत काल का जीवन दिया है, बहुत प्रेम उसने किया मेरे प्रियजनों, उसने अपनी जान दे दिया मेरे प्रियजनों। आज भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में मेरे प्रियजनों, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन मार खाएगा। सिर्फ एकमात्र वही सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जिसने हम सभी के खातिर अपनी जान दे दी, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी मेरे प्रियजनों, वो सजा यीशु पिता ने अपने ऊपर ले लिया। हमारा पिता वो कलवरी क्रूस में हंसते हंसते चढ़ गया मेरे प्रियजनों, उसके मुंह पर थूका गया, उसके शरीर पर 49 कोड़े लगवाए गए, मामूली 49 कोड़े नहीं थे मेरे प्रियजनों, उन 49 कोड़े के साथ उसका मांस घसीट घसीट कर खींच खींच कर चलाता था, छल्ली हो गया, खून लहू लहान हमारा पिता हो गया मेरे प्रियजनों। उसके मुंह पर सैनिकों ने थूका, आंखें बंद करके पट्टियों से उसके सिर पर मारते थे, बोलते थे, बोल भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा। इतनी बेइज्जती यीशु मसीह की हुई, उसके बाल नोचे गए, दाढ़ी नोची गई, सिरका पिलाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, बदनामी की गई, बेइज्जती की गई मेरे प्रियजनों। क्यों? सिर्फ हम सभी के खातिर, जो सजा हम सभी पाप हमने किया, मजा हमने लिया, सजा परमेश्वर अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया। सिर्फ हम सभी के खातिर जो सजा सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हमारा परमेश्वर अपने ऊपर लिया, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बोलने लगा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, अभी नादान हैं, अभी बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। यीशु मसीह ने आशीष दिया, श्राप नहीं दिया, आशीष दिया, आशीष ही दिया। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। जो कि यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, वो कभी ना मरेगा। यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जिलाएगा। जब हमारा परमेश्वर अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो रही फूकते ही मुर्दे विनाशी दशा में उठ खड़े होंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे मेरे प्रियजनों, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा, यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, यीशु मसीह आपकी गरीबी को दूर करेगा, यीशु मसीह आपको रोना बिलखना चिल्लाना बंद कर देगा। विश्वास करना है, यीशु मसीह आपसे बोलना चाहता है, यीशु मसीह आपसे वाद विवाद करना चाहता है, यीशु मसीह आपसे कुछ करना चाहता है, कि आप उसका शब्द सुनने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियजन। हाँ या ना, यदि आप तैयार होंगे, यीशु मसीह को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे पूरे प्राण पूरे मन से, तो यीशु मसीह आपसे बात करेगा, बोलेगा, बेटा मैं यहाँ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। हमारा परमेश्वर बोलेगा। यदि हम पवित्र होंगे, हमारा हृदय साफ होगा, हमारा मंदिर पवित्र होगा, हम निष्कलंक होंगे, धर्मी होंगे, तभी परमेश्वर बात करेगा। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनेंगे, विश्वास का सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की बड़ाई करते मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता सभी को जूतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर, सुरक्षित रखा मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से बिछड़ गए होंगे मेरे प्रियजनों, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे स्वामी,
जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे पिता एक नया जीवन दिया, अमर जीवन दिया परमेश्वर, जो कभी नाश नहीं होता है, जर्मी रास का पिता जो आपने अपने प्रेम करने वालों को अपने खोजियों को दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह में बीमार हैं, खाट पे पड़े, बेड पे पड़े, रो रहे, बिलक रहे, चिल्ला रहे, अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं जो कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पतरिया, हर प्रकार की डेंगू बुखार, मलेरिया यीशु मसीह के नाम से चली जाए, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर, आजाद होने पाए, तरह तरह की बीमारियां छोड़े भाग जाए मेरे परमेश्वर, आजाद नहीं पाए। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जिन मसीह बंद के अंदर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, शैतान, बद्री दुष्ट आत्मा, मलिच्छन की आत्मा मेरे परमेश्वर काम करे मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं गंदी बद्री दुष्ट आत्मा मलिच्छन की आत्मा छोड़े भाग जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आजाद करता हूँ पिता, जिन घरों में दुष्ट आत्माएं, काला जादू, हर एक करा करा धरा के बंधन है मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता काला जादू, करा धरा के बंधन पिता टूट जाए, उकड़े 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 जल जाए सुमस्य के नाम से, जल जाए सुमस्य के नाम से, जलाता हूँ सुमस्य के नाम से, राख करता हूँ सुमस्य के नाम से, जला कर हर एक पिता बद्री दुष्ट आत्मा गंदी आत्माएं भाग जाए, भाग जाए, जल जाए सुमस्य के नाम से, शैतानी बंधन जल जाए, आपने मुझे अधिकार दिया है जलाने का, जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस दुष्ट के बंधनों को जला देता हूँ, दुष्ट की जड़ों को काट डालता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। ये मसीह बिना आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, बीमारियाँ जाएं, गिल्टियाँ जाएं, रसोलियाँ जाएं, पत्थरियाँ जाएं, बंद को के खुल जाएं, बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए स्वर्ग से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए मेरे परमेश्वर, जिन्हें संतान चाहिए मेरे परमेश्वर पिता उन्हें संतान दीजिए मेरे परमेश्वर, आप उन्हें दीजिए प्रभु, आप जानते हैं, आप हम सभी की मन की बातों को जानते हैं, आप हम सभी के हृदय की बातों को जानते हैं, आप जश्न परमेश्वर हैं, आपके पास अधिकार है कि आप भी हम सभी को पिता मांगने से पहले दे सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे परमेश्वर, जो गलतियाँ, अपराध, गुनाह, पाप, बेविचार पिता हुए जान बुझ कर अनजान मेरे परमेश्वर, आप माफ कर, क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि हम सभी मानव जाति पापी, दुर्बल, कमजोर हैं, पाप में गिर सकते हैं, बेविचार में गिर सकते हैं, पाप हो सकता है मेरे परमेश्वर, अब माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, अपने लहू से शुद्ध कीजिए, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को ढाप दीजिए, आप दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जिन भाई बहनों की शादियाँ नहीं होती मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनकी शादी का रिश्ता आने पाए, ये दद्दताक झाक में ताका मुक्की में ना लगने पाए, शैतान फाड़ने नोचने ना पाए, शैतान तो नाश करने पर लगा, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है, वह भेड़िया है, भेड़िया है मेरे परमेश्वर, आप पिता उनकी इच्छाओं को जानते हैं, उन्हें अच्छा सा लाइफ पार्टनर दीजिए मेरे परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन बिताने पाए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए, पाप से, बेविचार से, गुनाह से उन्हें बचा के रखने परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जिन्हें जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली मेरे परमेश्वर, भटक रहे हैं, गरीबी में लिपते, लाचार हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, मारे मारे घूम रहे, उघाड़े नंगे घूम रहे मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि गरीबियाँ दूर हो जाएं, स्वर्ग से आशीष रिलीज हो जाए, ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, आशीष रिलीज होने पाए और बंद दरवाजे खुल जाएं, ओपन द डोर, बंद आशीषों के दरवाजे फिर से खुल जाएं मेरे परमेश्वर, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर जो मसीह बमराती में सौंप पाते जिन्हें डर लगता भलगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने भय से न डरना, और जब दुष्टों पर अचानक विपत्तियां पड़े तब तू न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, वो तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा मेरे परमेश्वर, आप फंदों में से बचाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मुझे विश्वास है अपने प्राणों को सुना है मेरे पिता, ये छोटी सी उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मीठे पवन नाम से मांग लेते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।